आपको बुलेटिन भाग दो के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. जो विकास के जो फल थे वह जनता तक पहुंचने बड़े पैमाने पर शुरू हो गए और देश में एक नया उद्देश्य मिला, उम्मीद जगी, आशा मिली और लोगों ने सरकार को बहुत ही ज्यादा मतादेश देकर लोगों को अगली बार और हमें आशीर्वाद दिया और दूसरी बार हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दोहरे उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ी और हमने एक व्यापक विकास की बात करी सभी जनता के लिए, सारे देश के लिए, सभी श्रेणियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। हमारी देश ने की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े। हमारा जो विकास था इसमें यह कहा गया कि हम सभी प्रकार से समावेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक समावेश होगा और हम सभी देश के सभी लोगों के विकास की हम बात करेंगे और हम साथ ही साथ भौगोलिक रूप से समावेश करेंगे उन सभी क्षेत्र के लोगों का जो उस देश के अलग अलग भागों में रह रहे हैं। जब हम राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो देश उन सभी चुनौतियों को आगे लेकर हम बढ़े। जब बहुत ही ज्यादा महामारी थी पूरे विश्व में, हमारे देश में, और हमने बहुत ही ज्यादा इसमें बात की कि किस प्रकार से हम बात करें और इसका परिणाम यह हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा देश है, हमारी बहुत ही ज्यादा आकांक्षाएं हैं और हमने लोगों ने अपनी उम्मीद जो जगाई कि हम उच्चतम विकास के लिए हम बात करेंगे। हमारी सरकार ने यह देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही अच्छे मतादेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया है। जहां तक समावेशी विकास का संबंध है और हम इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विकास के कार्यक्रम है पिछले 10 वर्षों के दौरान, पहले यह था कि हम कराएं ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम थे पिछले 10 वर्षों के दौरान, अगर देखा जाए उसमें हमने प्रत्येक घर के अंतर्गत, चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर जल हो, या सभी के लिए बिजली हो, या सभी के लिए कुकिंग गैस हो, या सभी के लिए वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में यह काम किया। जहां तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था, उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है
और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जहां तक अन्नदाता के उत्पादन के लिए हमने इससे समय पर लगातार आवधिक रूप से बढ़ाया है, और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय को बढ़ाया है। जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके। सामाजिक न्याय, हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करें। इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है और सभी स्तरों की जनता को शामिल किया गया है। हम भारत को एक विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा। और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा हुआ करता था। हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय है एक बहुत ही प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है। जो एक ऐसी स्थिति जहां पर हम सभी दृष्टिकोण हमने ऐसा अपनाया है जहां तक हम एक व्यापक व्यापक उपलब्धियों के साथ सभी को सभी चीजें दें। देखिए धर्मनिरपेक्षवाद वास्तव में यह हमारी क्रियाओं में है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है और हमने साथ ही साथ भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है। देखिए आज समय हमारे यहाँ पर पारदर्शिता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी योग्य लोगों तक सभी लाभ पहुंचाए जाएं, और यह जो सभी अनुसंधान है उनको हम सभी लोगों में समान रूप से बांटते हैं। और जो सामाजिक जो चीजें हैं हम चाहते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से मिलें। हम सभी तरीके से देखते हैं कि हम केवल परिणामों पर ही ध्यान दें और साथ ही साथ सभी के लिए सामाजिक आर्थिक बदलाव भी लाया जाए और सभी को अवसर मिले। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह पूर्ण विश्वास है कि हम गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, इनके लिए हम मुख्य रूप से काम करें। इनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं और उनका कल्याण हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। जो देश तभी तरक्की करता है जब ये चारों तरक्की करते हैं। इन सभी के लिए सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए और जब उनको सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। गरीब कल्याण देश का कल्याण। हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण यह था कि किस प्रकार से हम उनको चीजें देकर हम गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है इस और वह भागीदार बनता है सभी विकास गतिविधियों में, तब सरकार की जो शक्ति है वह आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों के दौरान तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को यह सभी सहायता दी है और हमने विभिन्न प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण अब सभी जो ऊर्जा है और लोगों के सशक्त जो विकास है वह सब मिलकर आगे बढ़ रहा है और वास्तव में वह उनसे गरीबी से उन्मुक्त कर रही हैं। जहां तक सीधे लाभ ट्रांसफर की योजना है 34 लाख करोड़ की, वह भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के माध्यम से, उसकी वजह से 2.7 लाख करोड़ की सरकार की जो सेवाएं हैं, जो उसके बचते हैं वह अभी तक आई हैं। और इसे हमने अभी तक इसमें देखा है कि किस प्रकार से जो पहले लीकेज हुआ करती थी इनमें वह रुक पाई हैं और जो हमारे पास बचत हुई है वह गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, इसने 78 लाख जो सड़क पर काम करने वाले वेंडर्स हैं उनको सहायता प्रदान की है, उनको पैसा दिया है। 78 लाख वेंडर्स में से 2.3 लाख को तीसरी बार हमने क्रेडिट दिया है, उधार दिया है, पैसा दिया है।
जहां तक पीएम जनधन योजना जो कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह तक पहुंचना था, जो कि वास्तव में विकास से बहुत दूर अभी तक रहते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि सहायता उपलब्ध कराती है हमारे कारीगरों को और जो 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं, यह जो योजना है वह दिव्यांग और जो उभयलिंगी हैं उनके जो उनको सशक्त करने की बात है, वह हमारी सरकार के हर काम में है कि हम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। अन्नदाता का कल्याण, जो किसान है वह हमारे अन्नदाता है, हर वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत नीति प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है 11.8 करोड़ किसानों को, जिसमें छोटे और मध्यस्थ किसान भी शामिल हैं। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, वह 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत दी जाती है। यह जो है अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ है जो कि अन्नदाता को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वह देश के लिए और विश्व के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करें। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसमें भी 1361 जो मंडी है उनको समेकित किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो क्षेत्र है जहां पर समावेशी और बहुत ही उच्च विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, इसे हम किसान उन्मुक्त योजनाएं बना रहे हैं, उन्हें आय की सहायता दे रहे हैं, उनको खतरा लेने की जो वह सक्षम हो सके इनके लिए हम मूल्य और दूसरे समर्थन दे रहे हैं। अमृत पीढ़ी, जो युवा हैं उनको सशक्त करना, हमारी समृद्धता तभी निर्भर करती है जब हम अपने युवाओं को सशक्त करें, उनको पूरी तरीके से सजग बनाएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वह अब बहुत ही बदलाव और सुधार के मोड़ में है। जो पीएम स्कूल है वह पीएम श्री, वह बहुत ही अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि सभी रूप से बच्चों का विकास किया जा सके। जो स्किल इंडिया मिशन है जिसमें 1.4 करोड़ युवाओं को हमने अभी तक प्रशिक्षित किया है और हमने उन्हें और शिक्षित किया है 54 लाख युवाओं को और 3000 नए ITI हमने खोले हैं। भारी संख्या में जो नए संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के हैं, जिसमें 7 IIT, 16 IIIT हैं, 7 IIM हैं, 15 AIIMS हैं और 390 विश्वविद्यालय हैं जिनको हमने अभी तक खोला है। पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं, जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके, वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। जो यह जो देश है उसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में, उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। जो चेस और हमारे नंबर 1 रैंक जो प्रज्ञा नंदा है, उन्होंने एक बहुत बहुत तेज टक्कर दी विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2023 में। आज भारत में 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि 2010 में 20 थे। जहां तक नारी शक्ति है उसके विकास महिलाओं का विकास करना उद्यमिता के माध्यम से, उनके जीवन स्तर को सुधार करना, उन्हें गरिमामय जीवन देना, यह 10 वर्षों में हमने बहुत भारी काम किया है। इसमें 30 करोड़ की मुद्रा योजना के ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं को उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उनको वह भाग ले रही हैं, पिछले 10 वर्षों में यह 28% बढ़ा है। स्टेम जहां तक कोर्स हैं, गर्ल महिला और लड़कियां हैं उनमें 44% की वृद्धि हुई है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। यह सभी जो कदम हमने उठाए हैं वह पूरी तरीके से महिलाओं की भागीदारी में, जो महिला काम कर रही है उसमें बढ़ रहा है।
जो तीन तलाक है उसे हमने गैर कानूनी सिद्ध कराया है और एक तिहाई जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण की बात की है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और हम 70% से ज्यादा जो घर है पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत उन हम महिलाओं को दे रहे हैं, और उन्हें 70% से भी जो घर है पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दे रहे हैं, या तो वह एकल है या संयुक्त भागीदार है, उनकी मालिकाना हक उनके पास है और उनकी गरिमा बड़ी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है शासन का, विकास का और उनके परफॉर्मेंस का। जीडीपी, जहां तक घर जीडीपी का संबंध है, भारत पूरी तरीके से सरकार ध्यान दे रही है बहुत ही व्यापक जीडीपी को लाया जाए, जो है शासन, विकास और निष्पादन। हमारी सरकार ने बहुत ही एक ऐसा पारदर्शी, उत्तरदायी और जनता उन्मुख ऐसा विश्वास युक्त विकास और शासन लेकर आए हैं, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा काम और कम से कम सरकार पर हम ध्यान दे रहे हैं। हम पूरी तरीके से सकल विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म आर्थिक स्थायित्व आया रहा है, विशेष रूप से बाहरी क्षेत्रों में, और विनिवेश बहुत बड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी आय हो रही है और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें भविष्य के लिए बहुत बढ़ रहे हैं। आम जनता की जो औसत आय है वह 50% से ज्यादा बड़ी है। मुद्रास्फीति एक मध्यम रूप से बढ़ रही है। जो लोग हैं उन्हें से ज्यादा सशक्त किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वह अपनी उम्मीदों को पूरा करें, वह कर भी रहे हैं। और देखा जा रहा है जो कार्यक्रम है वह भारी संख्या में समय पर जनता के बीच में आए और बड़े बड़े परियोजनाएं आए। आर्थिक प्रबंध, जहां तक बहुआयामी आर्थिक प्रबंधन का बात है, उसमें कुछ हमने मुख्य तत्व शामिल किए हैं ताकि समावेशी विकास हो। पहला, सभी प्रकार का ढांचागत विकास, चाहे वह डिजिटल हो या सामाजिक हो या वह फिजिकल हो, उसको हम पूरे समय पर एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर रहे हैं। नंबर दो, देश के सभी भाग जो हैं वह सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है। नंबर तीन, जो डिजिटल सार्वजनिक ढांचागत विकास का संबंध है, एक नया विकास हो रहा है। 21वीं सदी की हम बात करें और यह आर्थिक अर्थव्यवस्था को एक बेहतर रूप देने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जहां तक जीएसटी का संबंध है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हम एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की बात कर रहे हैं। नंबर पांच, हम वित्तीय क्षेत्र को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिससे हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं, हमारा ऋण ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहा है। नंबर छह, जो गिफ्ट IFSC और एक समेकित नियमावली वाली अथॉरिटी IFSCA, वह बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ताकि विश्व स्तर पर पूंजी सेवाएं आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में लाई जाएं। पूर्व सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन की हम बात करें तो एक समय सीमा के बेहतर भीतर यह काम किया जा रहा है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम देखें तो हमें पता चलता है कि यह जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहे हैं। जहां तक इसका संबंध है, विश्व स्तर का संबंध है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो आपूर्ति चेन है उसको हम बेहतर कर रहे हैं और जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल हैं, तकनीकी हैं, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोविड के बाद हम विश्व स्तर पर बहुत अच्छे रूप से उभर रहे हैं। भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता की, जो कि उस समय में की जब विश्व बहुत ही कठिन समय से जूझ रहा था। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, बहुत ब्याज दर बहुत है, कम विकास है और जो बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। महामारी की वजह से जो खाद्यान्न है, जो हमारा जो ईंधन है, जो वित्त है विश्व स्तर पर, उनकी वजह से बहुत समस्याएं हैं, लेकिन भारत इसमें एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह देश हमको दिखा रहा है, विश्व को समझा रहा है कि किस प्रकार से हम उन जो विश्व स्तर की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कैसे हम एक मत हम बन सकते हैं।
जब हम बात की बात करते हैं तो अभी हम भारत की बात करते हैं तो ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह पूरे विश्व में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यह जो कॉरिडोर है, और मैं उद्धृत करती हूँ, यह विश्व जो व्यापार होगा वह उसका आधार बनेगा आने वाले 100 वर्षों में, और इतिहास याद रखेगा कि यह जो कॉरिडोर है इसे भारतीय जमीन पर शुरू किया गया था। और अनुद्धृत करती हूं मैं विकसित भारत के लिए दृष्टि, हमारा जो दृष्टि है एक समृद्ध भारत के है, जो प्रकृति के साथ, आधुनिक आधारभूत संरचना के साथ और अवसर प्रदान करे सभी नागरिकों के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए, ताकि उनके क्षमता का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। जो हमारी उत्तम विकास यात्रा है, जिसमें सबका विश्वास है, अगले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास का दौर होगा और स्वर्णिम अवसर होगा, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने का 2047 तक, जो डेमोग्राफी, लोकतंत्र और विविधता, और जिसके पीछे सबका प्रयास है, उसमें प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को पूरा करने का सामर्थ्य है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा, मैं उद्धृत करना चाहती हूँ कि अवसरों की कमी नहीं है, जितनी अवसर हम चाहते हैं उतना है, जो देश है वो और अवसरों को बनाने का सामर्थ्य रखता है और आसमान की बुलंदियों तक इसकी सीमा जाती है। अमृतकाल के लिए रणनीति, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो प्रतिपालनीय विकास को बढ़ावा देगी और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, सबके लिए अवसर पर्याप्त होंगे और जो संसाधन हैं उसका भी सृजन किया जाएगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। जो सिद्धांत है हमारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का, सरकार जो अगली पीढ़ी के सुधार हैं उसको लेगी और राज्यों के साथ एक सर्वानुमति बनाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता है, ताकि समय पे पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराए जाएं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो और लघु, सीमांत और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। जो विनियामक माहौल है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इस नीति में इसे शामिल किया जाएगा। जो पंचामृत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार जो संसाधन समृद्ध आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और ये सस्ते दर पे उपलब्ध होगी। जो सरकार की जो निवेश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसका आकार है, क्षमता है, कौशल है और विनियामक तंत्र को भी विकसित किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि राज्यों को मदद करने के लिए, ताकि आकांक्षी जिलों का, प्रखंडों का विकास किया जा सके और पर्याप्त आर्थिक अवसरों का भी सृजन किया जा सके। पूर्व का विकास, हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए, जो भारतीय भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जो हम परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पूरा किया जाएगा। जो सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली, जो छत पे
सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे, उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही थी। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे जो 15,000 से 18,000 रुपया प्रति वर्ष सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी और जो अधिशेष को बेचकर जो वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चार्जिंग और बड़े पैमाने पे जो वेंडर हैं उनको उद्यमिता का अवसर मिलेगा आपूर्ति और संस्थापन के लिए, और युवकों को जो तकनीक कौशल के साथ उत्पादन के लिए, संस्थापन के लिए और रखरखाव के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास, हमारी सरकार जो मध्यम वर्ग के उपयुक्त लाभार्थी हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उद्धृत करना चाहूँगी कि किराए के मकान में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या चौल में रहने वाले या अप्राधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले, और वो अपना आवास खरीद सकें या उसका निर्माण कर सकें। चिकित्सा महाविद्यालय, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने और वो बेहतर चिकित्सा सेवा के माध्यम से वो हमारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जो वर्तमान आधारभूत संरचना है उसका उपयोग करते हुए हम और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। एक समिति गठित की जाएगी और इसके बारे में उचित सिफारिश करेगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष के उम्र में हैं, के बीच हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न योजनाएं मातृ शक्ति के लिए और बच्चियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को गति प्रदान की जाएगी ताकि पोषण और जो मातृ अवस्था में दिया जा सके। जो नई यूविन प्लेटफॉर्म है उससे टीकाकरण को और बल दिया जाएगा, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, और पूरे देश में इसको त्वरित गति से लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधा, आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों को दिया जाएगा, सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को, सहायकों को दिया जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जो मूल्यवर्धन है कृषि क्षेत्र में और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन किए हैं। प्रधानमंत्री लघु खाद्य प्रसंस्करण योजना ने 2.4 लाख HSG और 60,000 व्यक्तियों को साख के अवसर प्रदान कराए हैं, और अन्य जो योजनाएं हैं उस सहायता कर रही हैं ताकि जो जिससे कि लाभ आय में वृद्धि हो सके। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए हमारी सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करके जो समन्वय है, आधुनिक भंडारण है और समृद्ध आपूर्ति श्रृंखला है, प्राथमिक और द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग है, उसको बढ़ावा देगी। नैनो यूरिया के सफल उपयोग के बाद नैनो डीएपी का उपयोग विभिन्न फसलों पर किया जाएगा और सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तेल अभियान, जो 2022 में जो घोषणा की गई थी,
एक रणनीति बनाई जाएगी जिससे आत्मनिर्भरता तेलहन के क्षेत्र में, जिसमें सरसों, मूंगफली, सीसम, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल है। इससे जो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो बाजार की मूल्यवर्धन है, और इसमें बीमा भी शामिल होगा। दुग्ध विकास, जो दुग्ध किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगी। मत्स्य संपदा, यह हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ तक पहुंचाना, और 3, निकट भविष्य में रोजगार के 55,00,000 अवसरों का सृजन करना। 5, एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी, 9 करोड़ महिलाओं को 83,00,000 स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। प्रौद्योगिकी में बदलाव, नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों से नए आर्थिक अवसर भी संभव हो रहे हैं, और सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों सहित सभी लोगों को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ताएं सेवाएं मिल रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। भारत अपने लोगों की नई पहलों और उद्यमशीलता के माध्यम से समाधान दर्शा रहा है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नई पहल। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे का और विस्तार करते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है, क्योंकि नई पहल ही विकास का आधार है। प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः मैं दोहराती हूँ इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़े, रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, और संरचना विकास पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी किए जाने के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रेलवे 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे जो इस प्रकार हैं, ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, 2 पत्तन संपर्कता गलियारा और 3 अधिक यातायात वाले गलियारा। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्य कुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा और यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारा के साथ साथ इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों में हमारी GDP की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। विमानन क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया है। हवाई अड्डों की संख्या दुगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत Tier 2 और Tier 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1,000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। मेट्रो और नमो भारत हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। ट्रांजिट आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता प्रदान की जाएगी। हरित 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल और अमोनिया के निर्यात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण
को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघटय बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सृजनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनःस्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर मारी कल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास, 60 स्थानों में जो G20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की है। हमारी आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन, 2014 से लेकर 2023 के दौरान FDI अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे FDI का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए FDI अंतर प्रवाह से दो गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत, विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव, सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल, हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ
अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्र दिवस संबोधन में कहा था। मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर के प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। संशोधित अनुमान 2023-24, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। ₹30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25, वर्ष 2024-25 में उधार में से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। जैसा कि मेरे 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% रहने का अनुमान है। महोदय, 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों में सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों उधारियां वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगी। अब जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए और अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध होगा। लेखा अनुदान, मैं वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से लेखा अनुदान हेतु संसद से अनुमोदन प्राप्त करना चाहूंगी। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में प्प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हो गया है और विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई है। मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। मैं करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूं। सरकार ने कर दरों में कटौती की है और
इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजेम्प्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अद्यतन की हुई आयकर विवरणियां, नया फॉर्म 26AS और पहले से भरी हुई कर विवरणियां शुरू किए जाने से कर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक सरल और आसान हो गई है। विवरणियों पर कार्रवाई में वर्ष 2013-14 में औसतन 93 दिन लगते थे, जो कम होकर इस वर्ष केवल 10 दिन रह गए हैं। इससे प्रतिदाय रिफंड जारी करने में तेजी आई है। अप्रत्यक्ष कर, भारत में अत्यंत बटी हुई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके GST ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने GST के लाभ को स्वीकारा है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94% उद्योग प्रमुख GST में हुए बदलाव को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही GST का कर आधार बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल GST संग्रहण बढ़कर लगभग 2 गुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के SGST राजस्व की बोयंसी 2017-18 से 2022-23 तक GST के बाद वाली अवधि में 1.122 है। इसके विपरीत वर्ष 2012-13 से 2015-16 की GST से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बोयंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई हैं। कर प्रस्ताव, कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ IFSC यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय
सीमा 31 तीन 2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31 तीन 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूं। बड़ी संख्या में कई छोटी छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक के अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूं। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। अर्थव्यवस्था तब और अब, वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखें, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। मैं इसको दोहराना चाहूँगी, अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूँ। जय हिंद। तर महत्त्वाची बातमी, आयकराच्या स्लॅब मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही। महत्त्वाची आणि मोठी इन्कम टॅक्स गेल्या वर्षी प्रमाणेच राहणार आहे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर केलेला, आयकराच्या स्लॅब मध्ये कोणताही बदल होणार नाही, इन्कम टॅक्स गेल्या वर्षी प्रमाणेच राहणार। 3.1 के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभापटल पर रखती हूँ। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण, मद संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वित्त विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तापित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।